पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम कार्यकारिणी के 6 रिक्त सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 4 और कांग्रेस के 2 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सदन प्रभारी अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार और अजीत कुमार की देखरेख में चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी उप नगर आयुक्त राजकिशोर ने निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की। निर्वाचित सदस्यों को महापौर विनोद अग्रवाल ने प्रमाण पत्र वितरित किए। 70 पार्षदों वाली नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए 12 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें से 7 पार्षद भाजपा, 3 कांग्रेस और 2 पार्षद सपा से कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुने गए थे। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 20 जून को इनमें से 6 सदस्यों को कार्यकारिणी से बाहर चुना था। इसके लिए सर्वसम्मति से लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें भाजपा के राहुल देव वरुण, टीटू सैनी, नीरज गुप्ता, सपा के इकबाल शिडीगुल और कांग्रेस के जुनैद कार्यकारिणी से बाहर हो गए। कार्यकारिणी के लिए रिक्त हुए इन्हीं 6 सदस्य पदों के लिए बृहस्पतिवार नगर निगम कार्यालय टाउन हॉल सभागार में चुनाव हुआ। भारतीय कार्यकारिणी समिति का 6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। पहले साल में 12 लोग बनते हैं और उसके बाद 6 रोटेट होते रहते हैं। इसी क्रम में पिछले महीने 6 सदस्य रिटायर हो गए थे, उनके स्थान पर 6 अन्य सदस्यों का आज निर्वाचन हुआ है, जो कि एक निर्विरोध आज बिना चुनाव के आज ये निर्वाचित घोषित हुए हैं। सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई और मिलके नगर के विकास में इसी तरह कार्यों को करते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा प्रतिज्ञा है कि महानगर को जल्द से जल्द सुंदर, स्वच्छ और स्मार्ट बनाने में आगे काम करेंगे। चुनाव क्या कह रही है इसमें? देखिए, जो लोग अभी यहाँ चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नदीम भाई हैं, भाई गुलशन साहब हैं और जो भी अन्य सदस्य चुनाव जीते हैं, उन जो कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। और बहुत अच्छा मैसेज ये हुआ है कि बिना चुनाव के ही सब लोग निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये एक अच्छा संदेश है। और बस यही कहना चाहूँगी कि भाई, मतलब सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने इलाकों में बखूबी निभाने का काम करेंगे। और सभी पार्षदों का भी मैं धन्यवाद या एक तरह से बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और महापौर साहब से भी मैं ये अपेक्षा करूँगी कि सभी दलों के लोगों को, जैसे कि वो हमेशा समानता से देखते आए हैं, उसी तरह से सब लोगों को काम मिलेंगे और सब लोगों के क्षेत्रों में एक व्यवस्था बनी रहेगी, सफाई का पूरा इंतज़ाम होगा और जो भी विकास के कार्य होंगे वो भी होते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और बहुत मेरी तरफ से सभी लोगों को बधाई कि बहुत अच्छे से, सुचारू से हम सब लोग मिलकर मुरादाबाद के लिए काम करें, मुरादाबाद के लोगों के लिए काम करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।